नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मजेस्को पे, क्योंकि क्वार्टर वन के रिजल्ट के साथ इसमें कई सारी अपडेट निकल के सामने आ रही है, इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे मजेस्को पे। जो अपडेट निकल के सामने आई है उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। दोस्तों अगर एक दिन का चार्ट ओपन करो तो आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर 90 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें इसने जंप भी लगाया था 0.61% का। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट ओपन करूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक सडनली फॉल जाता हुआ देखने को मिल रहा है, नीचे जाता हुआ शेयर देखने को मिल रहा है। इसका कारण ये था, शेयर एक टाइम पे 987 रुपए पे ट्रेड किया करता था, उसमें 974 रुपए का डिविडेंड दे दिया और 987 में से 974 रुपए माइनस करने पे जो प्राइस बचा था उस पे शेयर ट्रेड करने लग पड़ा था, यानी कि 13 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड करने लग पड़ा था। आप यहां पे देख सकते हो, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 13 रुपीज़ के आसपास ही शेयर ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों उसके पास शेयर ने बहुत ही अच्छे रिटर्न भी दिए, आप देख सकते हो कि शेयर अभी 90 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और मैंने इस पर कई सारी वीडियो भी बनाई थी। और अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च भी मारते हो मजेस्को शेयर न्यूज़ या मजेस्को शेयर एनालिस्ट, तो उसमें काफ़ी सारी वीडियो मेरे ही देखने को मिलेंगी, जिसमें मैंने हर बार आपको बोला था कि इस शेयर को बाय मत कीजिए, ये आपका सारा रिटर्न छीन लेगा। और आप यहाँ पर देखोगे मैंने उस वीडियो में हर बार बोला कि ये शेयर आपको 100 तक जाता देखने को मिल जाएगा, कि कभी ये उम्मीद मत रखना कि शेयर 200 जाता हुआ देखने को मिलेगा। और वैसा ही देखने को मिला, शेयर बस 100 रुपये जाता था और उसके बाद फिर से डाउन सर्किट, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार फिर से इसने हिम्मत दिखाई थी, 111 रुपीज़ तक गया था और उसके बाद फिर से नीचे जाता हुआ देखने को मिला, जो कि 6 मंथ में देखे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक ही एरिया में घूमता हुआ देखने को मिला, एक ही जगह पे कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अभी इसके रिजल्ट के साथ साथ कई सारी अपडेट निकल के आई हैं, तो टाइम को वेस्ट किए बिना मैं आपको ले चलता हूँ इसकी कुछ अपडेट पे। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो इनकी जो मीटिंग हुई थी 23 जुलाई को, उसमें कई सारी अपडेट निकल के सामने आई थी, जिसमें हमें देखने को मिला कि दो न्यू फेसेस हमें देखने को मिलेंगे कंपनी में, दो न्यू अपॉइंटमेंट की गई है, जिसमें मिस्टर रामाचार्य यादव जो कि एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस कंपनी में होंगे, और अगर मिस्टर अजीत जोशी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि इस कंपनी में नए एक्वायर किए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आने वाले समय में हमें इनके नज़रिए से मजेस्को का बिजनेस चलते हुए देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक न्यूज़ भी कवर की थी, जिसमें एरम वेंचर्स ने अपनी जो मजेस्को की होल्डिंग थी उसे इंक्रीज भी किया था, जो कि 34 से 35% इन्होंने अपनी होल्डिंग बना के रखी है मजेस्को में। तो दोस्तों उन्होंने ये अपॉइंट किए, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि दो एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्होंने अपॉइंट किया है, आप यहाँ पे हो। दोस्तों वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी अगर मैं पूरी की पूरी डिटेल करने लगा, और मैं चाहता हूँ कि छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ पता लग जाए कि इस शेयर में क्या हो रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में। दोस्तों अगर इस शेयर की बात करें, इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आए थे, हमें क्वार्टर वन में कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 0-0 देखने को मिला पिछले 2 क्वार्टर से, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस कंपनी में अभी कुछ भी देखने को नहीं मिला है आपका, इस बार भी इसका रेवेन्यू 0 ही निकल के आएगा और क्वार्टर वन में हमें 0 ही देखने को मिला। आप जाके मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो, और आप यहाँ पे देखोगे कि अदर इनकम से इसको 130 लाख रुपये की इनकम हुई थी, जिसमें अगर फाइनल फिगर नोट करें तो आप यहां पे देख सकते हो कि कंपनी लॉस में ही थी, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में भी भारी लॉस देखने को मिला था। तो दोस्तों इस शेयर में मैंने आपको पहले ही बोला था कि कंपनी इस शेयर से एग्जिट कर रही है और आप इस शेयर को बाय कर रहे हो, और मेरे को पिछली वीडियो में कमेंट भी आए थे सर ये शेयर एक बार फिर से 1000 तक जाएगा। तो दोस्तों मैं सीधा सीधा कमेंट में एक ही रिप्लाई करता था उनका, अगर आपको लगता है ये 1000 तक जाएगा तो मेरे को एक रीज़न बता दीजिए क्यों 1000 तक जाएगा। मेरे को अभी तक उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, क्या उनको बस यही लगता था कि 1000 तक जाएगा? कोई एक मैंने पॉइंट पूछा कि क्यों जाएगा, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आप जाके मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर 31 मार्च की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो इस शेयर में हमें एक भारी अमाउंट देखने को मिला 3,23,682, जो कि एक्सेप्शनल आइटम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के द्वारा इन्हें मिला था। ये वन टाइम इवेंट होता है, ये कभी कभी देखने को मिलता है, अगर आप बैलेंस शीट पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि ये हर बार देखने को नहीं मिलता। आप यहाँ पे देख सकते हो हमें नेक्स्ट के 3 क्वार्टर में देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने अपना जो यूएसए की कंपनी है उन्हें बेच दिया था, और जो पैसे इनके निकल के आए थे वो ही हमें एक्सेप्शनल आइटम में देखने को मिले, जो इन्होंने 974 रुपये का डिविडेंड पे किया था वो यहीं से हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों ये एक्सेप्शनल आइटम इस तरह से इसमें ऐड किए गए थे क्वार्टर फोर के रिजल्ट में 2020 में। तो दोस्तों ऐसी कंपनी को मैंने पहले ही आपको एग्जिट करने का बोल दिया, अब क्या करना चाहिए इस कंपनी को आगे इस वीडियो में उस पर बात करेंगे, क्योंकि कंपनी
अब पूरा चेंज होने वाली है। कंपनी पहले आईटी सेक्टर में काम करती थी, अब ये रियल एस्टेट में उतरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लाइन टू लाइन समझाना चाहता हूँ इस कंपनी में हो क्या रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, अरम प्लेट्स आईटी प्राइवेट लिमिटेड जो कि इस कंपनी ने मजेस्को के शेयर एक्वायर किया है 14% के आसपास, आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि शेयर की क्वांटिटी इतनी होगी। उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग भी बढ़ाई थी और उसमें इन्होंने बाद में ओपन मार्केट में शेयर बाय करने का प्रपोजल दिया था, उसे भी ने मंजूरी भी दी थी, लेकिन उसके बाद शेयर होल्डर के पास वोटिंग के लिए गए थे, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने मेन पॉइंट यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट करके रखे हैं, जिसमें हमें देखने को मिला जो 77% इनको मंजूरी दे दी गई थी शेयर होल्डर के द्वारा, और जिसके बाद इन्होंने मजेस्को में 35% के आसपास की होल्डिंग बना के रखी हुई है, यानी कि एक मेजोरिटी स्टेक इन्होंने मजेस्को में बाय किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी ने पहले तो अपना बिजनेस ही बेच दिया और अब इस कंपनी से थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि आने वाले समय में कुछ करके बता सकती है। जिन्होंने इस शेयर को 110-105 रुपए में लेके रखा है, उनके लिए एक उम्मीद जागी है कि ये शेयर एक बार फिर से ऊपर जाएगा आने वाले समय में भी ये आपको दोबारा से 1000 भी जाते हुए देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको फिर से यही बोलना चाहता हूँ, इस शेयर में अभी भी इतना पैसा मत फंसाइएगा। अगर इस न्यूज़ को देखा जाए तो ये न्यूज़ अच्छी है, लेकिन ये न्यूज़ इतनी अच्छी नहीं है कि इसमें एकदम से इतना सारा पैसा फंसा दिया जाए, क्योंकि अगर आप मानते हो कि शेयर मार्केट में जुआ है, गैम्बलिंग है, तो इसी न्यूज़ के कारण है, क्योंकि अगर आप इस शेयर को इस न्यूज़ के चलते हुए बाय कर लें और शेयर फिर भी नीचे आ जाए तो आपको भारी लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, तो आपको भारी लॉस होगा, जिसके कारण आपका जो जुआ में लगाया हुआ पैसा था वो डूब जाएगा। इसीलिए बोलते हैं शेयर मार्केट को जुआ, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है, ये शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। अगर आप रिसर्च करके कोई अच्छा सा वैल्यूएबल स्टॉक को बाय करते हैं तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाने वाले हो, आप एक अच्छा प्रॉफिट ही कमाओगे। अगर न्यूज़ के चलते हुए इन शेयर्स को बाय करोगे तो आप एक भारी लॉस भी कमा सकते हो, लेकिन फिर भी लास्ट डिसीजन आपका होगा, आप क्या चाहते हो। अगर कंपनी को आपने इस प्राइस पर बाय किया और अगर ये शेयर ऊपर जाता हुआ देखने को मिल गया तो आप एक अच्छा सा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया ये सीधा सीधा जुआ होगा, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं गया तो आपको अब भारी लॉस भी हो सकता है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शनल आइटम जो कि हमें पिछले साल देखने को मिली थी, उसमें आप सीधा सीधा देख सकते हो कि जो इन्होंने अपनी फर्म बेची थी यूएसए में, उसी से इनका पैसा जनरेट हुआ था, जो कि आपको डिविडेंड के रूप में मिला था। और दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपना बिजनेस चेंज करने के बारे में सोच रही है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये रियल एस्टेट में उतर रही है, आप सीधा सीधा देख सकते। मैं आपको पूरा पैराग्राफ इसलिए पढ़ के नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ने लगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर फिर भी चाहते हो आपकी डिटेल में बताइए सर, तो मैं आपको पूरी डिटेल में भी बता दूंगा, आप बस कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर इस शेयर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये शेयर पहले जो आईटी सेक्टर में काम करता था वो अब रियल एस्टेट में उतरने के लिए तैयार है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर इस शेयर की बात करें ये किस में काम करने वाला है, तो आप यहाँ पे देखोगे रिलेटेड एक्टिविटी टू प्रॉपटेक। तो दोस्तों आप अब बोलोगे कि प्रॉपटेक होता क्या, तो मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसे ही प्रॉपटेक कहते हैं। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, अगर कंपनी सॉफ्टवेयर बनाएगी तो वो प्रॉपटेक में गिना जाएगा। अगर मैं प्रॉपटेक के सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको बता दूं प्रॉपटेक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको देखने को मिलता है, अगर आप मोबाइल में भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो तो आपको वहाँ से अपना घर का डिज़ाइन बना सकते हो, आप घर के अंदर जाके पूरे रूम भी चेक कर सकते हो कि कैसा हमारा रूम होगा, किस हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉपटेक में भी हमें देखने को मिलती है, जो कि इस शेयर में अभी हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और अगर दोस्तों इस शेयर की बात करें तो शेयर एक मेजोरिटी स्टेक खरीदने जा रहा है K2B2 टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि 51% तक की अपनी होल्डिंग बनाना चाहता है इस कंपनी में। अगर इसका पूरी की पूरी डील बताएं कितने में हो रही है, तो ये 40 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों एक और PDF निकल के सामने आई है, मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी 40 करोड़ के आसपास K2B2 में अपना स्टेक खरीदने के बारे में सोच रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए आने वाले समय में, इसके थ्रू हमें एक अच्छा सा रिटर्न देखने को मिल सकता है मजेस्को में। और दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो आप यहां पे देखोगे कंपनी जिसको बाय कर रही है वो K2B2 है, और अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो ये कंपनी काम किस में करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, यानी कि IT सेक्टर से रिलेटेड काम करती है, लेकिन इसमें आपको रियल एस्टेट की सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करें तो आप यहां पे एक और चीज़ देखोगे कि मजेस्को स्ट्रेटजी टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम फोकस ऑन कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ रियल एस्टेट, जो कि आप देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे रियल एस्टेट के बिजनेस में उतरने वाली है, टेक्नोलॉजी टेक यानी कि
टेक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये काम करती है, जो कि आने वाले समय में आपको इसके थ्रू अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करके बता सकती है। अगर इस कंपनी की बात करें तो 2019 में इसने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया, जो कि 12 करोड़ के आसपास था। और अगर 2020-21 की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 11.43 करोड़ का प्रॉफिट 2020-21 में भी इसने जनरेट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर शेयर इस कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो इस कंपनी के बदौलत मजैस्को एक बार फिर से हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो, अगर इनके को फाउंडर की बात करें K2B2 के विक्रम कोथनीस, जिसमें इन्होंने साफ साफ बोला कि हमारी टीम में 200 से ज़्यादा मेंबर काम करते हैं और हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है। और यकीन मानिए, इनकी वेबसाइट देख के भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर आप इस शेयर में बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो पहले आप इसकी वेबसाइट को जरूर देख लेना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनकी वेबसाइट का नाम। दोस्तों अब आपका क्वेश्चन ये निकल गया था, क्या हमें इस शेयर को बाय करना चाहिए? तो दोस्तों अगर आपके पास ये शेयर 110 या 112 रुपये पे आपने बाय करके रखा है तो आपको इसे होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी है इस कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी अपने मेन बिजनेस से कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है और कंपनी अपने न्यू बिजनेस में उतर रही है, तो आने वाले समय में उस बिजनेस की बदौलत हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इस शेयर में। और अगर मैं इसकी न्यूज़ की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो कि कंपनी की जो मैंने आपको पूरी वीडियो में डिटेल में बताया वो ही अब न्यूज़ निकल के भी सामने आ गई है, जो कि एक घंटे पहले निकल के आई है। तो मैं इस न्यूज़ को कवर नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इसी न्यूज़ के रिलेटेड। और दोस्तों अगर आप इस शेयर को न्यू बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको फिर बोलूँगा कि इस शेयर को आप थोड़ा सा क्वांटिटी में ही बाय करना, क्योंकि अभी भी ये शेयर रिस्की है। अगर इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया तो आपको ये आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, अगर नहीं चला तो आने वाले समय में इनको और एफर्ट दिखाने पड़ेंगे इस कंपनी को ऊपर जाने के लिए। और अगर आप इस शेयर को बाय करना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी उठाइए, जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा आप इसमें SIP कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाते रहो और आप इस शेयर के डॉलर अच्छा रिटर्न ले सकते हो। अगर आप इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार से इन्वेस्टमेंट करते हो अगर कंपनी नीचे गई तो आप इसमें भारी लॉस भी खा सकते हो। तो जाते जाते यही बोलना चाहता हूँ, ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कंपनी एक अलग बिजनेस में उतर रही है, जो कि अपना मेन बिजनेस बंद करके एक न्यू बिजनेस में उतर रही है, तो आप इस शेयर में ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। सो दोस्तों अगर आप इसमें एक और डिटेल में वीडियो चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम इस पर एक और डिटेल में वीडियो बना देंगे। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।